ये हिंदी भाषा जो है वो इतनी सुंदर भाषा है कि इसमें लिखी हुई हर विधा, हर कविता जो है अपना एक अलग रूप लेती है, अपने नए ढंग से उसको गाया जा सकता है। जैसे छंद है, चौपाई है, सवैया है, सोरठा है, दोहा है, कई चीज़ें, और उसकी हर एक की अलग अलग धुन है, ठीक है। यही हिंदी हमें बताती है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अर्थात अगर हमको अपनी ही भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम कभी भी उत्थान नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हमारी हालत कैसी हो गई वो मैं एक कविता के जरिए बताना चाहती हूँ कि उसमें हिंदी की आज क्या स्थिति है। अंग्रेजों तुम हम पर ऐसा राज कर गए, हिंद में रहकर हिंदी से मोहताज कर गए। अंग्रेजों तुम हम पर ऐसा राज कर गए, हिंद में रहकर हिंदी से मोहताज कर गए। परदेसी होकर भी ऐसा काज कर गए, अंग्रेजी को हिंदी का सरताज कर गए। गर्व से कहते हैं हमको हिंदी नहीं आती, शर्म से कह नहीं पाते अंग्रेजी नहीं आती। आज की स्थिति यही है कि अगर हिंदी नहीं आती है ना, हिंदी नहीं आती है, क्या करूँ, मात्रा इधर और इधर नहीं मालूम पड़ता है। हमने अगर गलत एप्लीकेशन हिंदी में लिख दिया ना तो कोई नहीं टोकेगा कि ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम का है और उसकी ये पहचान है कि वह इंग्लिश मीडियम का है, इसलिए वो पढ़ा लिखा है। और हम हिंदी मीडियम वालों को किस तरह से देखा जाता है कि ये तो वो वाले स्कूल से ना हिंदी पढ़ाया जाता है ना, उसमें से आए हुए हैं, इनको तो है ना। और मजाक में वो लोग क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के दिखाना इंग्लिश में, अगर तुमने इंग्लिश में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो पूरे गाँव में घुमाया जाता है कि इसको लिखा ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि परदेसी होकर भी ऐसा काज कर गए, अंग्रेजी को हिंदी का सरताज कह गए। गर्व से कहते हैं हमको हिंदी नहीं आती, शर्म से कह नहीं पाते अंग्रेजी नहीं आती। इस बेबस आज़ादी से वह बेड़ी भाती, हिंदी आती ना आती, जो तो आज भी नहीं आ रही है, हिंदी आती ना आती अंग्रेजी आती, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आज की शिक्षा नीति के बारे में भी इसी हिंदी माध्यम के जरिए बताना चाहूँगी कि आज जो है आपकी अपनी भाषा पढ़ाने के लिए आपका शिक्षा बेहाल हो गया है। हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए आपकी शिक्षा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन घर से लेकर के बाहर तक जहाँ भी हैं, हाउ डू यू डू बेटा, और आप तुरंत उसको इंग्लिश में बताएंगे कि हाँ हम कैसे हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने हिंदी में बात कर लिया, इंग्लिश में बोलो, मम्मी पापा खुद इंसिस्ट करेंगे आप लोगों को कि इंग्लिश में बात करो, वो क्या सोचेंगे कि तुम अच्छी मीडियम में नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हो, ये चीज़ें बताई जाती है। तो आज की हिंदी की हालत जो है वो कैसी हो गई, उस शिक्षा नीति की क्या हालत हो गई है, आज की शिक्षा नीति का कैसा हो गया हाल, निज भाषा सीखना देते अब शिक्षा के बेहाल। हिंदी की एक क्लास में शिक्षक बोले आए, रहमान कबीरा मीरा का कोई दोहा दिए बताए। मतलब रहीम कवि या दोहा का कोई, रहीम कवि या मीरा का कोई एक दोहा तो बताओ, बच्चों से उन्होंने पूछा। तो बच्चों ने क्या किया, चिंतन की मुद्रा बना माथे पर धरे हाथ, छात्र ने दोहा सुना दिया कुछ मंद मंद मुस्कुरा। क्या सुनाया दोहा, चित्रकूट के घाट पर घटना घटी गंभीर, रहमान ले गए मीरा को और फंस गए दास कबीर। देखा, ये समझ में आ गया फटाफट। तो बच्चों आज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है मेरी उपन्यास। उपन्यास मतलब नॉवेल। मैंने एक नॉवेल लिखा है, उसका नाम है ललिता। ललिता गढ़वाल बेस्ड नॉवेल है, हालांकि मैं कहाँ से हूँ, इलाहाबाद से, लेकिन मैंने फिर भी गढ़वाल की भूमिका को पहचाना। यहाँ के लोग कैसे नौकरी की तलाश में और किस चीज़ के लिए यहाँ से निकलते जा रहे हैं, बाहर देशों की ओर घूमते जा रहे हैं, तो वो लोग नहीं जाए, उसके लिए मेरा अगला उपन्यास आ रहा है, पाषाण का रुदन। और इस समय मेरी एक कहानी की पुस्तक और उपन्यास बाहर स्टॉल पे लगे हुए हैं, जिसका नाम है ललिता और सेमिया पगलिया। उस सेमिया पगलिया में बहुत सारी कहानियों का संग्रह है। उस संग्रह में मैंने ऐसी ऐसी कहानियाँ रखी हैं जिसमें से एक कहानी को CBSE के 7th स्टैंडर्ड में चुना गया है, दूसरी कहानी को 8th, और तीसरी कहानी को 10th के CBSE के ही क्लास के लिए रिजर्व रखा गया है। जब वो कोर्स चेंज होगा तब उसको शामिल किया जाएगा। और उसमें से एक हिंदू मुस्लिम की कहानी है, लहू न जाने भेद, उस कहानी को BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से मैं आपको अपने बारे में परिचय देना चाहती हूँ। इसमें से मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरित कौन करता है, कहाँ से मुझे वो प्रेरणा मिलती है, आप लोग मेरी प्रेरणा बनते हैं, वो पागल स्त्री मेरी प्रेरणा बनती है। जिस पागल स्त्री को देख कर हम लोगों को ऐसा लगता है कहीं पत्थर तो नहीं मारेगी, हम साइड होके निकल जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ जूठा हमारे ऊपर फेंक दे, हम साइड होके निकल जाते हैं, छी 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 इसमें से कितनी बदबू आ रही है, हम लोग ये सोच करके साइड होके निकल जाते हैं। लेकिन उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को कभी किसी ने अनुभूति की कि जो हम खा करके फेंक देते हैं उसको वो पहले जमीन के ऊपर रगड़ती है और उसके बाद उसको खाती है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी मनोदशा इतनी
विक्षिप्त है कि वो चाह करके भी ये नहीं जान पा रही है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। न उसको कपड़े पहनने का ढंग है, न उसे बाल बनाने का ढंग है, न उसे बैठने उठने का ढंग है, और हर आदमी जो है उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। तो इसकी कितनी बड़ी, मुझे वो चीज लिखने के लिए प्रेरित कर जाता है। मुझे रेंजर बाप नाम की एक कहानी में क्या चीज लिखने के लिए प्रेरित किया कि आज हम पूरी तरह से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, जैसे जब तक काम वाली नहीं आएगी, बर्तन नहीं आएगी, तब तक मक्खियां भी उसके ऊपर भिनभिनाती रहेगी। हमको कुकर चाहिए ना, तो वो कुकर को हम धो करके काम कर लेंगे, लेकिन उसके आगे के बर्तनों को तब तक रखेंगे जब तक कि हमने पैसे दिए हैं वो आ ना जाए। ठीक है, तो ये चीज जो एक डिपेंडेंट लाइफ है, उस चीज को बताते हुए किस तरह से एक रेंजर बाबू स्टोरी लिखी। और उसमें लास्ट में क्या होता है, वो एक औरत है, वो बहुत मोटी सी है और उसको खुद के बैठने का उठने का एक ठिकाना नहीं है, तो वो अपनी बच्ची की चोटी तक ढंग से नहीं बनाती है। और फिर वो क्या करती है कि जितने काम के लिए अलग 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 आदमी रखती है, उनमें से एक काम के लिए वो एक आदमी को लेके आती है, जो ये कहानी है सागर जिले की, सागर जिला एमपी में आता है, और वो पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। और उसका हस्बैंड जो है रेंजर बाबू है, रेंजर मतलब फॉरेस्ट विभाग में है। तो फॉरेस्ट विभाग में जो उसका पति है, वो एक अपने सबॉर्डिनेट के लड़के को लेके आता है जो 12-13 साल का है, और उसको ले आता है, बोलता है कि तू खाना बनाएगा, बोला हाउ बनाऊंगा, तो वो खाना बनाता है। अब रात को जब वो लेडी सारा काम छोड़ करके खाना बनाने का, और वो बाहर निकल जाती है घूमने फिरने कि आज हम सबसे मिल के आएंगे, जैसे ही वो घर में आती है तो वो बोलता है दीदी जी आपका चूल्हा टूट गया। तो बोला कि चूल्हा टूट गया, तो बोला तुमने जरूर कोई भारी बर्तन उसके ऊपर रख दिया होगा। बोला कि ना जी ना, बोला हम तो बना रहे थे, कितना बढ़िया चूल्हा था। बोला कि वाह मैं बस छत से जैसे वो जोर जोर से धंधुका भरने लग जाए, हम छत से पानी डाल देते थे। बोला कि अच्छा, तो बोला ऐसा कौन सा चूल्हा है जिसके पास पानी भी हो। तो वह ना से मुँह देखती बोलती कि कहाँ पे है वो चूल्हा, लेके चलो। तो वो बोलता है कि अयो बीबी जी हम आपको दिखाते हैं। अब वो बीबी जी की हालत कैसी थी कि वो किसी का छुआ हुआ नहीं खाती थी, वो ब्राह्मण थी, वो बोलती थी कि नहीं मैं किसी का छुआ हुआ नहीं खाऊंगी, लेकिन अब ठीक है ये बना रहा है तो खा लूंगी, लेकिन अपने ऊपर गंगा जल छिड़क दूंगी या थोड़ा सा गंगा जल पी लूंगी। तो अब वो जैसे ही वहाँ पे जाती है, बोलती है दिखाइयो हमें कौन सा चूल्हा तुम तोड़ दिया। तो लेके जाता है, वो दिखाता है कि जो कमोड होता है ना, टॉयलेट कमोड, उसमें लकड़ियाँ बहुत सारी जलाई हुई थी और उसी के अंदर से पानी निकल के उसमें छिड़क छिड़क के बना था। आज तक जो सबका छुआ हुआ नहीं खा रही थी, आज उसको देख करके उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूँ या गंगा जल से भी ये तो नहीं साफ होने वाला है जो अंदर चला गया एक बार इतना सारा खाना मैंने तो खा लिया है। तो डिपेंडेंट लाइफ जो होती है वो कहाँ तक ले जाती है एक आदमी को, किस तरह से कभी कभी मुसीबत में डाल देती है। तो ये है, और अंत में मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे गढ़वाली तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ललिता उपन्यास में बहुत सारे गढ़वाली गीतों की लाइंस लिखी हैं। उसमें से एक गीत है गढ़वाली गीत, मैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक लाइन, अगर गलत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पहलो फेरो बेटी लाडी दूजो फेरो बेटी लाडी बुआ की छे प्यारी। ठीक इसी तरह से मैंने एक और कविता लिखी है जो कि हिंदी में लिखी है और उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया है, उसकी एक पंक्ति मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि जो जो आवीरे आवीरे रे वसंत ऋतु आवी देखो आई रे वसंत ऋतु आई पीड़ा पीड़ा फूल मा छुटी बैठी सरसों काली पीले पीले फूल में छिपके बैठी सरसों काली खेतर मा हर खाए रही छे घौनी लब लब डाड़ी खेत में झूमे मक्की बजे और गेहूं की बाली बाड़ा ना बाड़ की ना कान मा पहरा आवी वाड़ी बाला का तन छेदन कर पहनाने आई पाली हो जो जो आवी वसंत ऋतु आई देखो आई रे वसंत ऋतु आई। तो इस तरह से अंत में मैं अपनी एक पंक्ति के जरिए या एक मुक्तक के जरिए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तुम्हारी याद में मैं छोड़ कर रंगून आऊंगी तुम्हारी याद में मैं छोड़ कर रंगून आऊंगी बसा कर प्रेम मन में मैं दोबारा धून आऊंगी। यहीं से पूज्य गंगा को लुभाया था भगीरथ ने सुनाने का कि रानी मैं फिर इस धरती पे आऊंगी।